एजाज खान ने जिस तरीके से कैरी मिनाटी को एयरपोर्ट पे सॉरी बुलवाया था, उसके बाद एजाज खान ने लव कैटारिया और एल्विश यादव को दिया था वार्निंग, ये वीडियो देख लो। कुत्तों का काम है भूखना और शेरों का काम है दहाड़ना। तुम्हारा कटारिया भी किधर मिलेगा ना, बंबई में या दिल्ली में, अभी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब फाइनली एल्विश यादव भी बॉम्बे में पहुंचकर एजाज खान को कर दिया है जोरदार वाला वीडियो। वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। यानी कि अब एजाज खान और एल्विश एक बार फिर से भिड़ने वाले हैं, भिड़ंत होने वाली है, जबरदस्त वाला द्वंद्व युद्ध होने वाला है और एक बार फिर से यूट्यूब पर छपरियों का राज होने वाला है। हालांकि एल्विश के वीडियो के बाद एक बार फिर से एजाज खान ने अपने वही पुराने अंदाज में, यानी कि यूं बॉलीवुड वाले अंदाज में एल्विश यादव को कर दिया है रिप्लाई, ये वीडियो देख लो। दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बम्बई आए हुए, बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बम्बई किधर है और एड्रेस किधर है, अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी हाँ, यानी कि अब एल्विश यादव के साथ साथ रजत दलाल भी इस कंट्रोवर्सी में कूद चुके हैं। हालांकि रजत दलाल का नाम नहीं लिया गया है इसीलिए वो चुप हैं। यानी कि एक बार फिर से भाई जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब के जो हब क्रिएटर है, उनमें द्वंद्व युद्ध होने वाला है। और अब मुझे लग रहा है कि बिग बॉस एक अंदर का बिग बॉस होता है, अब एक बाहर का बिग बॉस होगा और जहां पे बड़े क्रिएटर्स एल्विश होंगे, रजत दलाल होंगे, इधर एजाज खान होंगे, उधर कैरी मिनाटी होंगे और भी जो फुकरे इंसान भी आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे नाम हैं, वो भी एड ऑन हो सकते हैं, थोड़ी दिनों के बाद हो सकते हैं। अब देखना ये कंट्रोवर्सी कितने दूर तक जाती है। अब कैरी मिनाटी ने जिस तरीके से बड़ा पाव गर्ल को रोस्ट किया है, वाकई में ही वो एक एक लेवल ऊपर का रोस्ट किया गया है। दीदी की गरीब गाड़ी, दीदी का गरीब आईफोन, दीदी के गरीब कपड़े और पर्स, और ये सारी गरीब चीजें बड़ा पाव बेच के थोड़ी ली है, वो तो बस एक फैमिली बिजनेस है चूतिया काटने का। एक और क्लिप देख लो, क्योंकि वाकई में ही कैरी भाई ने बड़ा पाव को जिस तरीके से डेफिनेशन दिया है ना, वाकई में ही कैरी भाई ने दिल जीत लिया है। और दीदी से ज्यादा स्ट्रगल दीदी के कस्टमर की गांड करती है जब सुबह सुबह वो 50 रुपए का बड़ा पाव निकालना होता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ी हुई, वरना कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही, बात खत्म। कैरी मिनाटी के रोस्ट के बाद एक बार फिर से, यानी कि चंद्रिता से बिग बॉस के बाहर आने के बाद, भैया अब रिप्लाई देना चालू कर दिया है और चंद्रिका दीक्षित ने कैरी मिनाटी को कर दिया है रिप्लाई, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जरा उस पे झलक मार लो। चंद्रिका का नाम जहाँ भी जाता है मिलियंस में जाता है, तो शायद केरी जी को कंटेंट चाहिए था तो उन्होंने सोचा चंद्रिका को ही लेते हैं। यानी कि अब चंद्रिका दीक्षित और कैरी मिनाटी का भी विवाद अब शुरू होने वाला है। उधर रजत दलाल, एल्विश यादव, लव कटारिया, एजाज खान, भैया ये जो बड़े बड़े नाम क्रिएटर है ना, ये अब जुड़ने वाले हैं, एक ही फ्रेम में आने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि YouTube पर लफड़ा जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। खूनी रंजिश ना बदल जाए, लेकिन फिलहाल लफड़ा बड़ा हो चुका है। कैरी मिनाटी का जो वीडियो है बड़ा पाव को लेकर और चाय वाले डॉली छपरी चाय वाले को लेकर, भाई वो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। सारे वीडियो अपलोडेड है, क्या कहना है इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ कहना हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।